हमने समतल पृष्ठ से होने वाला प्रकाश का परावर्तन और समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में जाना। चलिए अब वक्र दर्पणों के बारे में पता करते हैं, विशेषतः दर्पण जिनके आकार गोलीय होते हैं। ऐसे दर्पण को गोलीय दर्पण कहा जाता है। गोलीय दर्पण गोले का हिस्सा होते हैं जिनको काटकर उनके ऊपर एक तरफ से चमकीले पदार्थ का लेप किया जाता है। अवतल दर्पण के लिए गोले के अंदर की तरफ लेप दिया जाता है, उत्तल दर्पण के लिए गोले के बाहर की तरफ लेप दिया जाता है। अवतल दर्पण के लिए उपयोग में लाने वाले कुछ पारिभाषिक शब्द जानते हैं। अगर अवतल दर्पण गोले का काटा हुआ हिस्सा मानते हैं तो उस गोले के केंद्र से जाने वाली और दर्पण के ठीक केंद्र को जोड़ने वाली एक रेखा होगी, इसको मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण को गोले के जिस बिंदु से काटा गया है उसे वक्रता केंद्र कहते हैं और उसे C से दर्शाया जाता है। दर्पण के पृष्ठ पर वो बिंदु जहां मुख्य अक्ष दर्पण से मिलता है उसे शीर्ष कहते हैं और उसे A से दर्शाया जाता है। शीर्ष इस दर्पण का भौमितीय केंद्र होता है। गोलीय दर्पण के ध्रुव और मुख्य नाभि के बीच की दूरी को नाभ्यांतर कहते हैं, इसे F से दर्शाया गया है। शीर्ष और वक्रता के केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं और R से दर्शाया जाता है। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होते हैं उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अंततः दर्पण से नाभि केंद्र तक की दूरी को नाभ्यांतर कहते हैं, इसे F से दर्शाया जाता है। नाभ्यांतर वक्रता त्रिज्या के आधा होता है। नाभि अंतराल में ऐसा बिंदु है जिसमें से दर्पण पर आपतित प्रकाश जो मुख्य अक्ष से समांतर जाता है वहां परावर्तन के बाद मिलेगा। आकृति में यह दिखाया गया है। अगर सूर्य की किरणें एक अवतल दर्पण पर इकट्ठी करें तो वो नाभि में मिलेंगी, क्योंकि सूर्य पृथ्वी से इतने ज्यादा अंतर पर है। सूर्य की कोई भी प्रकाश किरण जो दर्पण पर पड़ती है वो सब मुख्य नाभि से जाएंगी। इसी कारण सौर ऊष्मक अवतल आकार के होते हैं। ये देखने के लिए हम एक प्रयोग करेंगे। एक अवतल दर्पण लें और एक माचिस की तीली उसके नाभि पर रखें। जब यह व्यवस्था सूर्य की तरफ मोड़ कर रखी जाएगी तब थोड़े समय में वो तीली जलने लगेगी। सूर्य की केंद्रित गर्मी तीली जलाने के लिए काफी होती है। चलिए देखते हैं अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब। वस्तु के स्थान पर निर्भर प्रतिबिंब आकार में बड़े या छोटे किए जा सकते हैं या बिल्कुल वस्तु के आकार के बना सकते हैं। प्रतिबिंब उल्टा या सीधा और मुख्य अक्ष के आसपास के क्षेत्र में होगा। प्रकाश हमेशा परावर्तन के नियम का पालन करते हैं। परावर्तन समतल या वक्र पृष्ठ से होने पर भी आपाती प्रकाश किरण परावर्तित होने वाली दिशा आपती बिंदु पर पृष्ठ को खींची लंब रेखा से संबंधित है। अवतल दर्पण के लिए सतह पर आपती बिंदु में लंब रेखा बढ़ाने से वक्रता केंद्र में से जाती है। लंब रेखा खींचने से आपाती कोण नाप सकते हैं और उसी माप का प्रवर्तित कोण बना सकते हैं। अवतल दर्पण से वास्तव और आभासी प्रतिमा मिलना संभव होता है। जब वास्तव प्रतिबिंब बनता है देखने वाले को ऐसा ही अनुभव होता है कि प्रकाश वास्तव प्रतिबिंब के स्थान पर से फैलता हो। सिर्फ वास्तव प्रतिबिंब के मामले में प्रकाश समुच्चय प्रतिबिंब के स्थान से जाता है। गतिविधि एक, अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब देखते हैं। बिजली का बल्ब अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र के पीछे एक जगह पर रखा। सी, बल्ब विविध दिशाओं में प्रकाश फेंकेगा, उनमें से कोई दर्पण पर गिरेंगे। हर प्रकाश किरण जो दर्पण पर पड़ता है परावर्तन के नियमानुसार परावर्तित करेंगे। परावर्तन के बाद प्रकाश एक बिंदु में मिलेगा। उस बिंदु में जहां वस्तु से निकला प्रकाश मिलता है एक प्रतिकृति सादृश या वस्तु की आकृति तैयार होगी। इस प्रतिकृति को प्रतिबिंब कहते हैं। अगर बिजली का बल्ब किसी और स्थान पर रखा तो भी समान सिद्धांत लागू होते हैं। प्रतिबिंब का स्थान वो बिंदु है जहां से परावर्तित प्रकाश फैलता हुआ नजर आता है। बिजली के बल्ब के प्रकाश का परावर्तन के बाद का पथ जानने के लिए प्रतिबिंब का स्थान निश्चित कर सकते हैं। परावर्तन समतल या वक्र सतह से हो प्रकाश हमेशा परावर्तन के नियम का पालन करता है। ये दो नियम अवतल दर्पण के सामने रखे वस्तु के प्रतिबिंब का स्थान निश्चित करना आसान करेंगे। एक, पहला नियम है, यदि आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर है तो परावर्तित किरण मुख्य नाभि से होकर जाती है।
दो, दूसरा नियम है, यदि आपतित किरण मुख्य नाभि से जाती है तो परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। सिमुलेशन का उपयोग हम अवतल दर्पण से मिलने वाले प्रतिबिंब का स्वरूप जानने के लिए करेंगे। अवतल दर्पण, ये मुख्य अक्ष है जिस पर मोमबत्ती सीधी रखी है, नाभि को F से दिखाया है और वक्रता केंद्र 2F पर है। स्लाइडर का उपयोग नाभ्यांतर कम या ज्यादा करने के लिए कर सकते हैं। मोमबत्ती की ऊंचाई भी स्लाइडर से कम ज्यादा कर सकते हैं। वस्तु और प्रतिबिंब दोनों की ऊंचाई और अंतर का मापन यहां दिया गया है। मोमबत्ती की जगह बाण या अक्षर ABC ले सकते हैं। हम मोमबत्ती का उपयोग करेंगे। हम मोमबत्ती को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से दूर रखेंगे। ज्योति के सबसे ऊपर वाले बिंदु से निकलने वाला किरण मुख्य अक्ष को समांतर जाएगा और दर्पण के नाभि में से परावर्तित होगा। दूसरा किरण दर्पण की नाभि में से जाएगा और मुख्य अक्ष को समांतर परावर्तित होगा। ये दोनों किरणें ज्योति के सबसे ऊपरी बिंदु के प्रतिबिंब की स्थिति जानने के लिए काफी है। अगर आपने तीसरी किरण लेना चाहा, जो दर्पण के ध्रुव से मिलता है और परावर्तन के बाद उसी बिंदु से जाता है जहां से पहले दो किरण परावर्तन के बाद मिलते हैं। इस बार मोमबत्ती का प्रतिबिंब उल्टा, आकार में छोटा और वास्तव होता है। ये प्रतिबिंब पर्दे पर लिया जा सकता है। प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और नाभि के बीच में बनता है। मोमबत्ती को वक्रता केंद्र के आगे लेकर जाएं और प्रतिबिंब का स्वरूप देखें। सिमुलेशन के आधार से मोमबत्ती अलग अलग जगहों पर रखकर प्रतिबिंब का स्वरूप देखें। सारांश, हमने अवतल दर्पण से मिलने वाले प्रतिबिंब के स्वरूप देखे। सिमुलेशन से मोमबत्ती को अलग जगहों पर रखने से प्रतिबिंब के स्वरूप देखें। चुनौती का स्वीकार करें। सिमुलेशन सॉफ्टवेयर से क्या आप वस्तु का स्थान निश्चित कर सकते हो जिससे अवतल दर्पण से आभासी प्रतिबिंब तैयार होगा? अपने शिक्षक की सहायता से आसपास की सामग्री जैसे डिश एंटेना, एल्यूमिनियम पन्नी या कोई भी परावर्तक पदार्थ से सौर ऊष्मक बनाने की कोशिश कीजिए।